शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्लीन कर दूं पर तुम्हारा मिरर, तुम उस पे भी सब कुछ लिखते रहते हो। व्हाट द हेल इज माय कार? तुम्हारे टॉवल्स देखे कितने। व्हाट द हेल इज माय कार माया? डोंट गेट हिस्टेरिकल रॉनी। आई एम नॉट गेटिंग हिस्टेरिकल, आई एम फ्रीकिंग स्कैर्ड। नजदीक स्कूटर पे मेरी गाड़ी के निशाने, अगर पुलिस को गाड़ी मिल गई तो पता है क्या होगा, मैं सीधा जेल जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। आई शुडंट हैव लिसनड टू यू एट ऑल। रॉनी, योर कार इज सेफ, योर कार इज सेफ। तुम सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो यार? अभी भी इट्स नॉट टू लेट, अभी पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। माया, माया, स्टॉप फॉर अ सेकंड, आई एम टॉकिंग टू यू यार। तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? फीलिंग्स नहीं है? फीलिंग्स है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। माय फीलिंग्स आर फॉर यू, गॉड डैम इट। क्या गलत है अगर मैं तुमको बचाना चाहती हूँ और अपने आप को बचाना चाहती हूँ? अकेली लड़की, और मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग बन रही हूं ताकि तुम घबरा ना जाओ। मगर अब मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हुआ तो। आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड, I'm scared. गाड़ी कब चोरी हुई थी? सैटरडे रात को। कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो। गाड़ी का कलर? ग्रे। गाड़ी का नंबर क्या था? GA016666। नंबर तो अच्छा है। In the name of the Lord, he that stands in the house of lords, in the court of the house of the lords, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name, for God it is pleasant. For the Lord has chosen Nancy Smith as his pleasant treasure. For I know that the Lord is great. You okay? How's your vertigo? सुना तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई? हाँ। जिस गाड़ी से नैन्सी का एक्सीडेंट हुआ था उसका कलर भी ग्रे था। एविडेंस नंबर वन। क्या yeah?
यस, रॉनी अट्रेकर यहीं रहते हैं? थैंक्स। तुम रॉनी के साथ काम करती हो? नो, ही इज अ फ्रेंड। मेरी सिस्टर का फ्यूनरल था, शायद तुमने पढ़ा होगा पेपर्स में। नैन्सी। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। पर रॉनी अभी घर पर है नहीं। ओके। एक्सक्यूज मी। या रॉनी आए तो क्या कहूं, कौन आया था? प्रिया। प्रिया? तुमने तो कहा था कि वो So sorry about Nancy. I can't believe Nancy is dead. She was so excited. वो लंदन आने वाली थी और अब वो है ही नहीं. She did not deserve this. So young. So happy. और यहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. पुलिस के लिए तो सिर्फ ये एक केस है, पर मेरे लिए नहीं। और मैं ये पता करे बिना नहीं रहने वाली कि वो कौन था जिसने नैन्सी को इतनी बेदर्दी से मारा। रॉनी, प्लीज हेल्प मी फाइंड दैट बास्टर्ड। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं थी उसमें। एटलीस्ट उसे हॉस्पिटल ले जाते। पुलिस ने कहा भी था कि इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, अगर वो उसे हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच जाती। रॉनी, सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकते हो। आई वॉन्ट दैट क्रीप बिहाइंड बार्स। अब तो तुम एक वेल नोन रिपोर्टर भी हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, पुलिस पर मीडिया प्रेशर डाल सकते हो। यू नो, अगर तुम एक आर्टिकल लिख दो जिससे शायद कोई विटनेस मिल जाए, यू नो, शायद वो इस गाड़ी के बारे में बता दे, उस गाड़ी के ड्राइवर के बारे में बता दे। Hell can I do about it, यार? क्या मैं पुलिस हूँ, लॉयर हूँ, विटनेस हूँ, नहीं हूँ ना? Please, Priya, try to understand. Please. उस दिन तो मुझसे ग्रेवयार्ड में मिलने तक नहीं आए। मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि अब हमारा रिश्ता ही क्या है।